हे गाइस, वेलकम बैक सिस्को टेक लाइव। और आप लोगों में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी कैसे चेक करें, और इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ और अपडेट भी है ESIC इंडिया की तरफ से। आप जानते होंगे कि आपकी सैलरी से यानी कि आपके कंट्रीब्यूशन से ESIC का जो पैसा है वो डेबिट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी पूरा बेनिफिट लो, इसका ट्रीटमेंट लो, समथिंग जो जो बेनिफिट मिलता है ESIC की फैसिलिटीज़ में, आपके जो ESIC है उसमें से आपका अमाउंट डेबिट होता है। आप जानते होंगे आपकी सैलरी स्लिप में आपको दिखाया हुआ, ठीक है। और इस वीडियो में गाइस अपन और भी कई सारी चीज़ देखेंगे, जैसे कि IP नंबर क्या होता है, IP नंबर आपके पास नहीं है तो क्या करना है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा रहा होगा तो इधर मैं आई बटन में और इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो आप उन्हें ज़रूर चेक करें। जैसे कि आधार वेरीफाई कैसे करें, ESIC पोर्टल में आधार को कैसे एडजस्ट करना है, आपकी फैमिली को ऐड नहीं किया है आपने तो उसे ऐड कैसे करना है, कहाँ से वेरिफिकेशन कराना है, अगर आपके पास IP नंबर यानी कि इंश्योर्ड जो पर्सन होता है ये IP नंबर क्या होता है और कैसे इसे यूज़ करें, तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा ESIC कार्ड में। ESIC कार्ड में आपकी ऊपर की ओर दिया रहेगा, जैसे कि ESIC कार्ड हो गया या ई पहचान कार्ड हो गया, तो ये जो दोनों सर्विसेज है आपकी ये आपको ऊपर में IP नंबर आपको ऊपर में दिखेगा, उसको कहते हैं अपन एम्प्लॉय का जो इंश्योर्ड पर्सन नेम होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें का गाइज मैं ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बना चुका हूँ, तो आपको चेक इट आउट करना है। लेकिन इस वीडियो में भी अपन देखेंगे कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पूछी है, आप लोगों ने इस महीने यानी कि मई 2019 में जितने भी सवाल पूछे, वीडियो के बीच बीच में मैं उनके क्वेश्चन के आंसर भी दिया करूँगा, ठीक है ना। आप लोगों मैंने इससे पूछा है कि ESIC का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर की डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग करें, तो वो भी इस वीडियोज़ में गाइज अपन देखेंगे, ठीक है ना। चलो अपन चलते हैं सबसे पहले इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट का नाम है esichospitals.gov.in। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप चिंता ना करें, इस लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल पे आप आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का ESIC का ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ESIC 2.0 यानी कि 2.0 का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसमें काफ़ी सारी जितनी भी अपडेट है मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे भी आप ज़रूर चेक करना। वीडियो के लास्ट में आई बटन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये नया पोर्टल है, इसमें काफ़ी सारा अपग्रेड हुआ है, तो इसे भी अपन चेक करेंगे। थोड़ा सा इस पोर्टल को अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये यहाँ पर लिखा रहा है, देखो, बुक योर अपॉइंटमेंट। पहला क्वेश्चन, पहला अपन यही देखेंगे कि ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी को ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। अगर आपको डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ पर मैं सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि आपकी ज़रूरत के अनुसार, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, कोलकाता, लुधियाना, मैसूर, जो भी आपका शहर हो, स्टेट हो, उस हिसाब से आपको कवर करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, मैं थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट। अब दिल्ली में जितने भी ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो अपन रिंग रोड पर चलते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ESIC का हॉस्पिटल है 100 बेड का। मैंने ESIC के मैं काफ़ी सारे वीडियो दे चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर आपकी स्पेशलिटी चेक करना है, यानी कि किस रिलेटेड आपको बुकिंग चाहिए। जो ESIC हॉस्पिटल डॉक्टर फ्री ट्रीटमेंट जो मिलता है आपको, फ्री, ऑफकोर्स फ्री मिलेगा, IP नंबर होना चाहिए आपके पास बस, यानी कि ESIC और ई पहचान कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के नीचे या लास्ट में एक वीडियो मिलेगा, उसे ज़रूर चेक करें, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। चलो, लेकिन इस वीडियो में मैं और IP नंबर के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन आई है तो आपको बता दूंगा। मान लो कि यहाँ पर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है अपने को, एलर्जी क्लिनिक चाहिए, कौन सी आपको ट्रीटमेंट यहाँ चेक करना है आपकी, व्हाट यू वांट गाइस, ठीक है। मान लो CT स्कैन कराना है, CT स्कैन पर क्लिक करा,
तो यहाँ पर देखो एडजस्ट हो गया, बुक नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो डेली में यहाँ पर जीरो डॉक्टर फाउंड दिखा रहा है, ये क्या है, नया पोर्टल है तो धीरे धीरे अपडेट होगा, आपको चिंता नहीं करना है कि दिखा नहीं रहा है। यहाँ मैं और एक बार सर्च की बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, सीटी स्कैन के कोई डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अपन कोई भी और देखते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया गाइस कि ये पोर्टल नया है ESIC 2.0, तो जितने भी लिस्ट है डॉक्टर की लिस्ट है सीटी स्कैन के लिए दिल्ली में, अपन हॉस्पिटल चेंज करते हैं और यहाँ पर मान लो फिजियोथेरेपिस्ट डालते हैं, सर्च की बटन को क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर भी लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जेनेटिक क्लिनिक पर क्लिक करते हैं, सर्च की बटन को प्रेस करते हैं। अपन अभी का दिल्ली में देख रहे हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार आप दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर, MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओ बहुत सारी लिस्ट है देख सकते। चलो आ गया, यहाँ पर MBBS डॉक्टर है, डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता करके मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इनका टाइमिंग दे दिया है कब से कब तक अवेलेबल रहेगी, बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, इनसे आप जाके मिल सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको पर्सनल चाहिए तो। ESIC IP नंबर आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके ई पहचान कार्ड यानी कि ESIC का जो कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा रहता है, IP नंबर का मतलब होता है इंश्योर्ड पर्सन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो देखें, मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया है और आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ गाइस, ठीक है ना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे IP नंबर क्या होता है, और जैसे कि VIP नंबर क्या होता है, ये जैसे कि आपने बताया और इस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक डॉक्टर हॉस्पिटल अवेलेबल है, उन्हें टाइम डेट इधर दिया है कि कब मिलना है, बुक अपॉइंटमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मान लो 12 तारीख को बुकिंग चाहिए, 12 को क्लिक करा, इंटर यूर नेम, इंटर यूर कॉन्टेक्ट नंबर, IP नंबर नहीं भूलना है। जी हाँ, अगर आपके पास IP नंबर नहीं है तो डू कॉन्टेक्ट यूर HR एंड समथिंग एंड नियरेस्ट ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, लेकिन इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है वीडियो, उसे चेक करें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर IP रजिस्ट्रेशन, क्योंकि डॉक्टर भी डायरेक्ट आप बुकिंग थोड़ी कर सकते, यहाँ पर आपका नाम, आपका पूरा मोबाइल नंबर जो ESIC पोर्टल में आपने वेरीफाई कराया है, अगर मोबाइल नंबर आधार KYC कैसे ESIC एम्प्लॉय पोर्टल में अप्रूव करे उसका भी वीडियो बनाए, तो चेक इट आउट, आई बटन इन इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो इसको पहले आराम से देख लो। यहाँ पर आपका IP नंबर कैप्चर करके रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी ऑनलाइन बुकिंग टाइम डेट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास IP रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लॉगिन करना है तो इस पोर्टल पे यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन कर सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, पोर्टल रीडायरेक्ट हो रहा है और ये यहाँ पर आपका IP नंबर और कैप्चा के थ्रू यहाँ से भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। मान लो अगर आपकी IP रजिस्टर नहीं है तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है, बहुत आसान सा है। चलो ये तो हो गई ESIC हॉस्पिटल डिस्पेंसरी ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें, डॉक्टर की सलाह कैसे ले, इमीडिएट कहाँ चेक करें। अगर आपके ESIC हॉस्पिटल और डॉक्टर आपको कैसे चेक करें कि आपके ESIC कार्ड में और ESIC के ई पहचान कार्ड में कौन सा डिस्पेंसरी मिला है, उसको चेंज अपडेट कैसे करें, जी हाँ वो देखते हैं अपन, वो उसमें भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि चेंज अपडेट कैसे करें। एक्चुअली ESIC हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी एक्चुअली चेंज तो नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपकी ESIC हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कहाँ है, उस डिस्पेंसरी पर जाके आपको डॉक्टर अगर अलाउड करता है तभी वो डिस्पेंसरी आपकी चेंज होगी। अब चलते हैं इस पोर्टल पर, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका लिंक ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप वीडियो के नीचे मिलेगा, चेक इट आउट। अब चलते हैं ESIC की ऑफिशियल मेन वेबसाइट पर, ESIC NIC.in, इसका भी लिंक गाइस वीडियो के नीचे दे रखा है, तो चेक इट आउट। अब यहाँ पर अपन डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आपका राज्य सिलेक्ट करना है, जैसे कि MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान एंड समथिंग, मेरे केस में मैं MP सिलेक्ट करता हूँ। सर्च पर अपन क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, पोर्टल नया है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी कई सारी हॉस्पिटल डॉक्टर की लिस्ट इसमें अपडेट हो रही है, आपको चिंता नहीं करना है, मैं समझता हूँ कई सारे राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक में, जिलों में ESIC की फैसिलिटी नहीं मिल रही है,
तो ESIC से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी कोशिश करें, जल्दी से अपडेट हो जाएगा। हॉस्पिटल है जैसे कि मैंने MP सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और नगदा के जितने भी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है वो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर दी है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि हर बार की तरह मेडिकल हेल्पलाइन और टोल फ्री ESIC हेल्प डेस्क आपको बड़ा अच्छे से आप काम कर रहा है। मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया है, जो कि नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। और गाइज, इफ़ यू गाइज एनी क्वेरी प्लीज़ लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो। तो भी कोई सवाल, सुझाव, शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। बस गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी में बेस्ट टिकटॉक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।